इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कानपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां शराब के नशे में है छावनी थाना प्रभारी। आपको बता दें कि सड़क पर मौजूद लोगों से की अभद्रता और थाना प्रभारी की कार में दिखी है शराब की बोतलें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभद्रता कर रहे हैं और विवादों में रहते हैं अक्सर हमेशा की तरह छावनी थाना प्रभारी ललित मणि त्रिपाठी। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं जहां शराब के नशे में है छावनी के थाना प्रभारी। आपको बता दें कि सड़क पर मौजूद लोगों से की अभद्रता और थाना प्रभारी की कार में शराब की बोतलें भी दिखी है। आपको बता दें कि अक्सर विवादों में छावनी थाना प्रभारी ललित मणि त्रिपाठी रहते हैं और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे कानपुर के ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं। सुनील, अक्सर विवादों में ये रहते हैं छावनी के थाना प्रभारी, क्या कुछ इस पर और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, विवादों से तो इनका पुराना नाता रहा है, जहाँ ये इनको जो इलाके में लगने वाला टेम्पो स्टैंड हो जहाँ पर आए दिन इन पर वसूली के आरोप लगते हैं। कहने को तो सिपाही वसूली करते हैं, लेकिन सीधा सीधा जब सिपाहियों को लोगों देना मना कर देते हैं तो खुद जाकर के कहते हैं नहीं, पैसा तो देना ही पड़ेगा। उसको लेकर के कई बार विवाद हुए, उसके बाद कभी भी अगर रात में कोई इनको फोन कर देता है तो ये ज्यादातर कई बार अधिकारियों ने भी फोन किया तो फोन नहीं उठाते हैं। और उसके बाद भी जब आम जनता अगर कभी फोन करती है तो अगर कहीं घटना पर पहली बार से पहुंचते नहीं और पहुंचते भी तो नशे की हालत में पहुंचते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब इस गाय के जो सड़क किनारे गाय पड़ी हुई थी, लोग उसकी सूचना दे रहे थे थानेदार को और थाना प्रभारी जीप से पहुंचने के बजाय अपनी निजी कार से पहुंचे और वहां पर ड्रेस भी नहीं थी और उस दौरान ये नशे में वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने खुद लोगों को बताया मैं थाना प्रभारी ललित मणि त्रिपाठी हूँ, थाना अध्यक्ष थाना प्रभारी छावनी का हूँ। तो उसको लेकर सब लोगों को जानकारी हुई, ये थाना प्रभारी और वहाँ पर मौजूद जो सिपाही थे उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है ये थाना प्रभारी छावनी के हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शराब के नशे में उनको देख करके लोगों ने पूछा वहाँ पे लोगों की आखिर आपको इस मामले में क्या कहना है, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से उन्होंने खुद दिखाया गाड़ी का पीछे का शीशा खोल करके कि मैं नशे में तो हूँ और ये देखो पीछे गाड़ी की सीट पर इसमें शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि वो किस तरीके से शहर में अपने आप को किसी बड़े जिले के कप्तान से कम नहीं समझते हैं। यही कारण है कि लगातार विवाद होते हैं, विवाद में रहने के बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारियों को बताने के लिए। तो उस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि छावनी थाना प्रभारी ललित मणि त्रिपाठी शराब के नशे में है और अधिकारी अब क्या कुछ कार्रवाई करते हैं ये देखना बहुत ही ज्यादा अहम होगा।